वेलकम बैक टू स्लेब लाइट्स, जहां हम लाते हैं सेलिब्रिटीज की हर अपडेट। सबसे पहले इस वीडियो में आपको दिखाएंगे हया के लंबे शरारे की कहानी, सेट पर क्या हुआ इस शरारे को पहनकर दिखाएंगे इस वीडियो। गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर वीडियो को एंजॉय कर सकें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्लेब लाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तेरे बिन की किस्त नंबर 46 ने पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई। उस किस्त में हया ने एक ड्रेस पहना हुआ था जिसमें ग्रेइश कलर का एक शरारा था और शरारे की टांगों का साइज तकरीबन 10 गज से लंबा था। सबीना फारूक यानी हया ने इस सीन के लिए रेडी होते हुए अपने मेकअप रूम से हमारे साथ वीडियो शेयर की, जिसमें वो अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ बहुत ही फनी तरीके से इस ड्रेस के बारे में बातें कर रही हैं, इवन कि उनसे चला भी नहीं जा रहा। हया ने मजाक में कहा कि एक इवेंट हुआ है और उसका तंबू हमें नजर आया जिसका हमने शरारा बना लिया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तंबू एक टेंट को कहते हैं और शादी ब्याह के मौके पर टेंट्स लगाए जाते हैं, और ये शरारा भी किसी टेंट से कम ना था। यहाँ आपको बताते चले कि ये वही मेकअप आर्टिस्ट है जिसने तेरे बिन के तमाम मेन कैरेक्टर्स को बहुत ही रेडी किया है। यमुना जैदी की साड़ी वाली लुक को जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो भी इसी मेकअप आर्टिस्ट ने किया था। इसी मेकअप आर्टिस्ट छोटे से लड़के ने रेडी किया है और उसको इनकी लुक्स पर बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन भी मिल रही है। वैसे तो हया हम सबको जहर लगती है, लेकिन नो डाउट कि सबीना फारूक जब इस तरह के मजे मजे के बिहाइंड द सीन हमारे साथ शेयर करती है तो हमें वो बिहाइंड द कैमरा काफी ज्यादा क्यूट लगती है।